हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आज हमारे पास 10th क्लास में जो लेक्चर है, हम आज स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। ठीक है बेटा, इससे पहले हमने इस चैप्टर के अंदर एनिमल्स के अंदर कोऑर्डिनेशन का जो प्रोसेस था उसको कंप्लीट किया था, और प्रीवियस लेक्चर में हमने जो एंडोक्राइन सिस्टम था उस एंडोक्राइन सिस्टम की दो ग्लैंड्स जो हमारे पास बची हुई थी उनके बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स का मतलब क्या है बेटा? देखिए, एक सिंपल सी बात है, मैंने जब भी ये चैप्टर स्टार्ट किया था तब भी आपको एक बात बताई थी कि प्लांट्स जो होते हैं वो एनिमल्स के कंपैरिजन में लेस एक्टिव होते हैं। ऐसे में अगर कोऑर्डिनेशन की बात आती है तो वो भी किसी पार्टिकुलर स्टिमुलस के खिलाफ जो स्टिमुलस होता है रिस्पॉन्स तो शो करते हैं, लेकिन बेटा एनिमल के कंपैरिजन में वो स्लो स्टिमुलेशन स्लो रिस्पॉन्स शो करते हैं। तो स्टिमुलस तो यहां पर भी काम करता है, और वो जो स्टिमुलस है उसी के बेस के ऊपर हमारे पास आज लेक्चर है कि स्टिमुलस की टाइप होती है इसके केस में हमारे पास अलग अलग तरीके से कि कैसे स्टिमुलस आता है, किस तरीके से मूवमेंट होती है। तो प्लांट्स के केस में जो मूवमेंट होती है बेटा वो कई टाइप की मूवमेंट होती है। ठीक है, प्लांट से जो मूवमेंट शो करता है इसमें भी मूवमेंट ड्यू टू ट्रिगर चेंज, ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ग्रोथ मूवमेंट। प्लांट शोइंग रिस्पॉन्स अगेंस्ट द स्टिमुलाई या स्टिमुलस। ठीक है, समझ गए ना, प्लांट भी एक तरीके से जो स्टिमुलस होता है उसके खिलाफ रिस्पॉन्स शो करता है बेटा, लेकिन वो रिस्पॉन्स ये तो नहीं है कि वो इतना फास्ट रिस्पॉन्स है हमारे पास। वो रिस्पॉन्स जो है बेटा वो सिंपल रिस्पॉन्स हो सकता है, उस रिस्पॉन्स के बेस के ऊपर काम करते हैं प्लांट्स के केस में। ठीक है, अब जब हम स्टिमुलस की बात यहां पर कर रहे हैं बेटा तो उस स्टिमुलस में किस तरीके से क्या कंडीशन है उसके बारे में हम बताते हैं। तो देखिए, मैंने आपको कहा कि प्लांट जो है वो रिस्पॉन्स जो स्टिमुलस है उसके साथ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके का कोऑर्डिनेशन शो करता है। ठीक है ना, रिस्पॉन्स शो करता है प्लांट शोइंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिस्पॉन्स अगेंस्ट द स्टिमुलस। कैसे भाई? पॉजिटिव का मतलब होता है मूवमेंट टुवार्ड्स स्टिमुलस या स्टिमुलाई। नेगेटिव का मतलब क्या होता है बेटा? मूवमेंट अवे फ्रॉम स्टिमुलाई के खिलाफ जो होती है। ठीक है, स्टिमुलाई के खिलाफ जो मूवमेंट होती है उसको हम बोलते हैं। तो इस तरीके से जो मूवमेंट होती है मतलब प्लांट जो है मूवमेंट तो शो करता है। ठीक है, अब वो जो मूवमेंट चेंज करता है बेटा वो एक तरीके से किसके साथ हो सकती है भाई? दो तरीके से हो सकती है, बाय द हेल्प ऑफ मूवमेंट्स इन प्लांट अकर इन टू वेज। दो तरीके से होती है, कौन कौन सी भाई? नंबर वन हमारे पास तो है ड्यू टू ट्रिगर चेंज। किसके कारण भाई? ट्रिगर मूवमेंट बोल सकते हैं आप इसको, क्या बोल सकते हो? ट्रिगर मूवमेंट बोल सकते हो। दूसरा हमारे पास क्या है ट्रिगर मूवमेंट के साथ साथ एक भाई एक मूवमेंट ऐसी भी तो हो सकती है जिसको हम एक तरीके से पैराटोनिक मूवमेंट के नाम से बोल सकते हैं। इसके नाम से भाई पैराटोनिक मूवमेंट। अब ये पैराटोनिक मूवमेंट क्या होती है भाई? ड्यू टू स्टिमुलाई एनवायरमेंट स्टिमुलाइज जो होते हैं उसके कारण जो मूवमेंट होती है उसको हम पैराटोनिक मूवमेंट के नाम से बोल सकते हैं।
अब जो ये मूवमेंट्स है बेटा हमारे पास, इन मूवमेंट्स को हमें अलग तरीके से भी बोल सकते हैं। अब हम यहां पर आपको इनको एक्सप्लेन करके बताएंगे बेटा। सबसे पहले हमारे पास जो मूवमेंट है ना, वो टर्गर मूवमेंट की बात हम करते हैं, ठीक है। टर्गर मूवमेंट जो होती है वो एक तरीके से हम किस तरीके से हम उसको फाइंड आउट करते हैं। टर्गर जो मूवमेंट होती है बेटा वो पैराटोनिक मूवमेंट से सेपरेट होती है, क्योंकि पैराटोनिक मूवमेंट्स में तो इन्वायरमेंटल सिग्नल आता रहता है, और टर्गर मूवमेंट्स में जो होता है वो टर्जिडिटी के बेस के ऊपर एक्शन होता है। अब टर्जिडिटी के बेस जो होता है बेटा वो कैसे हो सकता है, हम एक तरीके से हालांकि टच वहां पर स्टिमुलस का काम करता है, लेकिन बेटा वो चेंज तो वाटर की वजह से होता है, टर्जिडिटी के बेस के ऊपर होता है। एग्जाम्पल हम देते हैं, हाइड्रोनास्टी की बात करते हैं, हाइड्रोनास्टी, ठीक है। हम टर्गर चेंज में नास्टिक मूवमेंट को भी इंक्लूड कर सकते हैं बेटा, नास्टिक मूवमेंट क्या होती है, देखो मूवमेंट इन प्लांट लाइक क्या बेटा, इसमें हम बोल सकते हैं ट्विस्टिंग, ठीक है ना। प्लांट जो ट्विस्टिंग शो करता है, ट्विस्ट हो जाता है ना प्लांट, बेंडिंग, ठीक है, बेंडिंग है या भाई ट्विस्टिंग है बेटा, ये सब मूवमेंट होती है ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलस लाइक दैट। एग्जाम्पल जैसे बेटा मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर जो होता है ना, उसकी मूवमेंट की बात हम कर रहे हैं उसके बेस के ऊपर। अब टर्गर मूवमेंट जो होती है हमारे पास, टर्गर मूवमेंट्स में मैंने आपको बताया कि कैसी मूवमेंट है बेटा। अब टर्गर मूवमेंट की बात अगर हम करते हैं ना, तो टर्गर मूवमेंट, देखिए टर्गर मूवमेंट जो पार्ट होता है बेटा, इस टर्गर मूवमेंट का मतलब क्या है, यहां पर हमें एक एग्जाम्पल देते हैं, हाइड्रोनास्टी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, हाइड्रोनास्टी की बात करते हैं, वो भी इसके बेस के ऊपर है। तो यहां हम हाइड्रोनास्टी की बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक और है बेटा हमारे पास, दैट इज कॉल्ड द हेप्टोनास्टी, ठीक है ना, हेप्टोनास्टी। ये हेप्टोनास्टी जो होता है बेटा ड्यू टू टच के कारण जो मूवमेंट होती है, यानी टच यहां पर किसका काम कर रहा है बेटा, स्टिमुलस का काम कर रहा है, स्टिमुलाई या स्टिमुलस का काम कर रहा है कौन, टच के बेस के ऊपर हम यहां पर मूवमेंट शो करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात यहां पर दे आपको, तो इसके लिए हमारे पास जो एग्जाम्पल है ना, वो एग्जाम्पल हमारे पास है बेटा मीमोसा पुदीका, ठीक है ना, मीमोसा पुदीका, ठीक है। ये मीमोसा पुदीका क्या होती है, सेंसिटिव प्लांट जो होता है ना, सेंसिटिव प्लांट, अरे चुई मुई जिसको बोलते हैं, चुई मुई जिसको बोलते हैं बेटा, टच मी नॉट, ठीक है। उन प्लांट्स के अंदर क्या होता है बेटा, टर्गर चेंज आता है, टर्गर चेंज, और उस टर्गर चेंज के बेस के ऊपर ही मूवमेंट होती है। कैसे होती है टर्गर चेंज के अंदर मूवमेंट, देखिए सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ। ये प्लांट है, इस प्लांट्स के ऊपर यहाँ पर इस पार्टिकुलर रीजन पे लीफ लगी हुई है, इसकी लीफ लगी हुई है भाई, ये टच मी नॉट प्लांट की लीफ लगी हुई है, इस प्लांट की लीफ है। एक्चुअली क्या होता है बेटा, ये जो रीजन होता है ना इसका, ये जो रीजन होता है यहां पर, इसको पुलविनस रीजन बोलते हैं, इसको पुलविनस रीजन बोलते हैं। तो ये जो पुलविनस रीजन होता है, यहां की जो सेल्स होती हैं इस पुलविनस रीजन की, ठीक है, ये पुलविनस रीजन की सेल जो होती है, एक तरीके से देखिए ये पुलविनस रीजन जो हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है ना, पेटियोल जो स्ट्रक्चर है इसमें पुलविनस रीजन प्रेजेंट होता है बेटा,
स्नैपजूली क्या होता है, जब आप इस प्लांट को टच करते हो, ठीक है, जब आप इसको टच करते हो तो यहाँ पर एक केमिकल रिलीज होता है, दैट इज कॉल्ड द टर्जिजिन, टर्जिन के नाम से बोलते हैं इसको, किसके नाम से, टर्गोरिन, टर्गोरिन, ठीक है ना, केमिकल कौन सा होता है बेटा, टर्गोरिन, ये केमिकल है, टर्गोरिन केमिकल, ये टर्गोरिन केमिकल्स यहां आता है, वो क्या कर देता है, दे चेंज द ट्रिगर, ट्रिगर ड्यू टू लॉस ऑफ कैल्शियम आयन, और जब कैल्शियम आयन का लॉस होगा तब बेटर वाटर क्या होगा, वाटर आउट फ्रॉम ए पुलमिनस सेल्स, वाटर जो है पुलमिनस सेल्स जो है ना, पुलमिन सेल जो है बेटा, उन सेल्स के अंदर से आउट हो जाएगा और सेल बिकम्स फ्लैसिड हो जाएंगी, सेल जो होंगी बेटा वो कैसे हो जाएंगी, फ्लैसिड हो जाएंगी और वो मुरझा जाएंगी, यानी लीफ जो है वो डाउन हो जाएगी। अब क्या होगा आफ्टर दिस कंडीशन, इस टाइम के बाद क्या होगा बेटा, इस टाइम के बाद होगा जो पुलमिनस रीजन है उस रीजन के अंदर जो वाटर था बेटा वो गया, और जब वाटर गया तो वो लीफ जो है बेटा वो एक तरीके से सेटेड होगी, वो जो लीफ है बेटा एक तरीके से सेटेड फॉर्म में आगी। तो ये जो रीजन है लॉस वाटर, उसने वाटर लॉस कर दिया, ठीक है ना, इस पार्टिकुलर प्रोटीन के कारण, इस केमिकल के कारण। तो बेटा ये जो मूवमेंट है ना हमारे पास, इस मूवमेंट को हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ये टर्गर मूवमेंट है, ठीक है। ये हमारे पास इस तरीके से और भी प्लांट हो सकता है, लेकिन सबसे बेस्ट एग्जांपल हम इसी को काउंट करते हैं, अब देखिए ये हमारे पास सिस्मोनास्टी के नाम से भी हम बोल सकते हैं प्लांट, इसके साथ साथ दो तरीके की, मतलब एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं भाई हम ये कह सकते हैं प्लांट एक तरीके से मूवमेंट और ग्रोथ मूवमेंट और तरीके से भी शो करता है, जिसमें ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स भी बोल सकते हैं और पैराटोनिक मूवमेंट्स की बात हम करते हैं। नास्टिक मूवमेंट्स को हमने आपको बता दिया, नास्टिक मूवमेंट होती है नॉन डायरेक्शनल होती है, आप ये बात याद रखना, नास्टिक मूवमेंट जो होती है वो होती है नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होती है। अब नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होती है तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं हमारे पास क्या है, नास्टिक मूवमेंट जो होती है नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होती है। इस नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट के कारण कुछ ऐसी मूवमेंट भी होती है इसके साथ साथ बेटा जो डायरेक्शनल मूवमेंट होती है, और वो डायरेक्शनल मूवमेंट्स में हमारे पास क्या आता है, दैट इज कॉल्ड द ट्रॉपिक मूवमेंट। दूसरा हमारे पास क्या है बेटा, प्लांट मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, हम लिख सकते हैं प्लांट मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। प्लांट्स के अंदर मूवमेंट होती है बेटा ग्रोथ के कारण, और प्लांट के अंदर जो ये मूवमेंट होती है ग्रोथ के कारण वो दो टाइप की होगी बेटा, ऑटोनॉमिक मूवमेंट ऑफ ग्रोथ, पैराटोनिक मूवमेंट ऑफ द ग्रोथ, हमने आपको पहले भी बता दिया, दो टाइप की होगी बेटा, एक तो होगी ऑटोनॉमिक मूवमेंट ऑफ ग्रोथ, और दूसरी हमारे पास क्या है बेटा, पैराटोनिक मूवमेंट ऑफ ग्रोथ। ये केस हो गया ऑटोनॉमिक ग्रोथ जो है बेटा, उसके केस में हमारे पास अगर हम एग्जांपल की बात करें ना, तो बेटा एक तरीके से
हम सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं एक तरीके से, जैसे एग्जांपल दे, ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल्स, टेंड्रिल्स जो होता है ना बेटा उनकी ग्रोथ। दूसरी तरफ यहां हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो हमारे पास इसमें इलास्टिक मूवमेंट है और एक ट्रॉपिक मूवमेंट है बेटा, ठीक है। इलास्टिक मूवमेंट और दूसरा क्या है बेटा, ट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। दूसरा क्या है हमारे पास, ट्रॉपिक, ट्रॉपिक बोलेंगे बेटा, ट्रॉपिक नहीं ट्रॉपिक मूवमेंट, इसको हम बोलेंगे ट्रॉपिक, ट्रॉपिक मूवमेंट। अब हमने नास्टिक मूवमेंट का एग्जांपल हमने पढ़ा बेटा, जिसमें हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा ना यहाँ पर एक एग्जांपल जिसको बोला हमने, जिसका सुनी मुई का जिसमें एग्जांपल दिया हमने, जो हमारे पास है हेप्टो नास्टिक, हेप्टो नास्टी, हेप्टो नास्टी, जिसमें हमने छुई मुई का एग्जांपल दिया बेटा, ये एग्जांपल दे दिया। अब हमारे पास है ट्रॉपिक मूवमेंट, अब टाइप्स ऑफ द ट्रॉपिक मूवमेंट, हमारे पास टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ द ट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। हमारे पास क्या है टाइप ऑफ द, अब सबसे पहले तो ट्रॉपिक मूवमेंट होती क्या है, ट्रॉपिक मूवमेंट्स, द मूवमेंट विच अकर ड्यू टू विच अकर्स ड्यू टू स्टिमुलस इन ए पार्टिकुलर पार्टिकुलर डायरेक्शन, आप याद रखना डायरेक्शन। हमने आपको ध्यान हो तो जो दूसरी ग्रोथ थी उसको हमने किसमें बताया था, नॉन डायरेक्शनल, नास्टिक मूवमेंट में हमने नॉन डायरेक्शनल वर्ड यूज किया था बेटा, यहां पर हमने डायरेक्शनल मूवमेंट यूज किया है, तो डायरेक्शनल मूवमेंट होगी। अब इस डायरेक्शनल मूवमेंट के बेस के ऊपर देखिए, टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक, ट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट, पांच टाइप की ट्रॉपिक मूवमेंट है बेटा, फोटो ट्रोपिज्म, कीमो ट्रोपिज्म, हाइड्रो ट्रोपिज्म, हाइड्रो जियोट्रोपिज्म, और बेटा थिक्मोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म। तो बेटा फोटोट्रोपिज्म का मतलब क्या होता है, ड्यू टू यहां क्या है, स्टिमुलस जो है, स्टिमुलस जो है बेटा वो लाइट है, फोटो है मतलब, फोटो मतलब लाइट होती है बेटा, यहां स्टिमुलस क्या है, स्टिमुलस जो है बेटा वो केमिकल है, यहां पर क्या है बेटा वाटर है, स्टिमुलस जो है वो क्या है वाटर बेटा, यहां पर स्टिमुलस क्या है जियो, स्टिमुलस क्या है बेटा जियो, जियो मीन्स सोयल यानी ग्रेविटी, और यहां स्टिमुलस क्या है बेटा
स्टिमुलस है बेटा टच, ठीक है ना, ऐसे तो ये स्टिमुलस है। इनके बेस के ऊपर हम 500 को डिटेल में पढ़ेंगे बेटा, ठीक है, 500 को डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन करके। तो हम आज सिर्फ फोटोट्रोपिज्म पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो वो पढ़ाते हैं हम। तो बेटा हमारे पास पहला है फोटोट्रोपिज्म, ठीक है, फोटोट्रोपिज्म। अब फोटोट्रोपिज्म का मतलब क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ प्लांट एंड their part due to stimulus, ठीक है। और बेटा यहां stimulus क्या है, stimulus है हमारे पास light, due to stimulus आप यहां पर लिख सकते हो stimulus और due to light और photon, photo photo मतलब light। तो स्टिमुलस क्या है बेटा, यहां पर हमारे पास स्टिमुलस है हमारे पास लाइट, तो उस स्टिमुलस की सहायता से प्लांट की मूवमेंट होती है। हम इसके लिए डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन देखिए, डेमोन्स्ट्रेशन में हमने क्या किया बेटा, देखिए हमारे पास रूम है, ठीक है, इस रूम के अंदर हमने एक पोटेड प्लांट रख दिया, हमने क्या रखा बेटा, एक पोटेड प्लांट हमने यहां रख दिया, ठीक है, ये पोटेड प्लांट हमने यहां रख दिया बेटा। अब ये पोटेड प्लांट जो है बेटा, इस पोटेड प्लांट के अंदर हमने जब इसको रखा तो इसकी जो ग्रोथ है आपको दिखाई दे रही है, यहां पर टॉप की तरफ प्रेजेंट है, ठीक है ना, लेकिन आफ्टर फ्यू डेज, ठीक है ना, आफ्टर फ्यू डेज या हमारे पास इस पार्टिकुलर रूम के अंदर एक विंडो है बेटा, और इस विंडो के बेस के ऊपर आप देखिए यहां पर सन है, ये क्या है सन, इस सन से लाइट आती है इस तरीके से इधर, ठीक है ना, और प्लांट को ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए, लाइट चाहिए बेटा, लाइट चाहिए या नहीं चाहिए। अब जब उसको लाइट मिली तो यहां से क्या होगा, वो उस लाइट को लेने के लिए बेटा प्लांट जो है ना वो अपनी ग्रोथ को टर्न कर देता है, वो अपनी ग्रोथ को टर्न कर देता है इस तरीके से, लाइट की तरफ टर्न हो जाता है, ऐसे लाइट की तरफ टर्न हो जाता है बेटा, ऐसे लाइट की तरफ। तो हम यहां ये कह सकते हैं स्टेम ऑफ द प्लांट बेंड टुवर्ड लाइट, दिस इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म, ठीक है। अब फोटोट्रोपिज्म शो करता है, आप एक सिंपल सी भाषा में देखिए बेटा, स्टेम तो लाइट की तरफ मुंह करता है, स्टेम तो किसकी तरफ मुंह करता है, लाइट की तरफ मुंह करके बेटा। अब देखिए स्टेम स्वइंग पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, बट रूट स्वइंग नेगेटिव ट्रोपिज्म, रूट क्या करती है, नेगेटिव ट्रोपिज्म शो करती है बेटा। तो इस तरीके से हमारे पास ये ट्रोपिज्म का प्रोसेस है, और किस ट्रोपिज्म का प्रोसेस है बेटा, फोटोट्रोपिज्म। तो आज हमारे पास जो लेक्चर है उस लेक्चर के अंदर बस इतना ही है बेटा, कि हमने मूवमेंट्स की बात की, प्लांट्स के अंदर जो कोऑर्डिनेशन की बात की, तो प्लांट्स के केस में डिफरेंट टाइप्स की मोशन थी,
जिसमें हमारे पास पैराटोनिक प्रोटो मतलब मूवमेंट जो हमारे पास थी बेटा नॉन डायरेक्शनल डायरेक्शनल मूवमेंट, ये डायरेक्शनल मूवमेंट है, जिसमें हमारे पास ट्रोपिज्म है, नास्टिक मूवमेंट हमारे पास है, ये सब जो मूवमेंट है बेटा नास्टिक मूवमेंट नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, जिसमें हमने एग्जाम्पल दिया आपको छुई मुई का, टच मी नॉट का एग्जाम्पल हमने दिया, ठीक है, मिमोसा पुडिका का, उसमें बुलविनस रीजन के अंदर से कैसे स्पेशल टर्गोनिन जो प्रोटीन केमिकल बना उसकी कारण से वाटर की जो मूवमेंट होगी बेटा उसके कारण से लीव जो है वो डाउन होगी। तो ऐसे में हमारे पास जो ये एग्जाम्पल है बेटा, उसके बाद हमारे पास ट्रॉपिक मूवमेंट, उसमें हमने फोटोट्रॉपिज्म बताया कि मूवमेंट ऑफ द प्लांट और देयर पार्ट्स, यानी मेन स्टेम की मूवमेंट होगी ड्यू टू लाइट, तो स्टेम पार्ट की मूवमेंट होगी स्टिमुलस लाइट है बेटा, वो किसको अफेक्ट करता है, स्टेम की ग्रोथ को लाइट अफेक्ट करती है, तो स्टेम प्लांट का वो पार्ट है जहां पर बेंडिंग होगी टूवर्ड ग्रोथ के बेस के ऊपर। तो आज हमारे पास इस लेक्चर में इतना ही है बेटा, नेक्स्ट लेक्चर के साथ कल मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे बेटा।